नेक्स्ट सी एग्जांपल रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट्स, मीन्स अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस कॉल किए, देन मल्टीपल फंक्शंस के केस में कौन सा फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन इस केस में इसका बिहेवियर किस पर डिपेंड करेगा, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर एज वी आर डिस्कसिंग इन प्रीवियस लेक्चर्स ड्यूरिंग थ्योरी ऑफ द फंक्शंस, मीन्स इस केस में करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। इन दैट केस अगर एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट कॉल करेंगे, लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको चांस मिलेगा, जी देन एफ देन एच दिस वन मे बी। दूसरा पॉसिबिलिटी इसका इस केस में अगर ऑपरेटर के प्रायोरिटी के बेस पर सॉल्व करते, देन प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑपरेंड फाउंड हो रहा है फंक्शन एफ, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले किसका कॉलिंग हुआ एफ का, देन एस। मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होने के जस्ट बाद देन जब एडिशन परफॉर्म कराए, देन एडिशन के अकॉर्डिंग थर्ड केस में चांस किसको मिलेगा, जी को। मीन्स इस केस में कई सारे पॉसिबल केस हो सकते हैं। दिस बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एग्जीक्यूशन डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर्स, मीन्स डिफरेंट कंपाइलर्स। अगर आप फर्स्ट केस टीसीसी कंपाइलर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, देन टीसीसी कंपाइलर फॉलो करेगा और प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर सेम एज बीसीसी बोर्डलैंड सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, देन सेकंड केस किसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई हो बेस्ड ऑन बोर्डलैंड सी कंपाइलर। बोर्डलैंड सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सप्रेशन को कंप्लीटली सबसे पहले सारे के सारे फंक्शन एग्जीक्यूट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन एक्सप्रेशन विल बी रिजॉल्व। इस करेंटली फाइनली इसका बिहेवियर कैसे हो कंपाइलर।